हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं स्प्लेंडर के ऊपर। सो इसकी हम जो ये मॉडिफिकेशन है, इस चीज़ के ऊपर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सो इसको रिप्लेस करके हम इसको LED में लगाएंगे और उसके ऊपर जो भी हम नाम वगैरह लिखेंगे उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको करते हैं फिट और देखते हैं क्या लुक आती है इसकी। सो जो हम प्रोडक्ट लगाने वाले हैं वो होने वाला है ये। देख सकते हैं आप पीछे से और आगे से। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और इसको फिट करने के बाद इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ से इसके पीछे से जो ये यहाँ से हम प्लास से खोलेंगे इसको। ये नट खोलने के बाद कुछ इस टाइप से हमारी यह LED बाहर आ जाएगी। देख सकते हैं आप पीछे ये जो लाइट है हमारी रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर बाहर आ जाएगा इस टाइप से। रिफ्लेक्टर खोलने के बाद हम सबसे पहले जो अपना दूसरा LED लाइट रिफ्लेक्टर है इसे फिट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे फिट कर लेता हूँ ये नट खोल के। यहाँ पे देख सकते हैं आप दो होल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमारे पास यहाँ पे जो हमारा LED रिफ्लेक्टर है उसके बीच में हमने एक ये नट बोल्ट दिया गया और दूसरा ये अपना के वायर। हम इसके अंदर से इसकी वायर निकालेंगे। यहाँ से वायर निकालने के बाद हमारा जो है सारा पीछे वो खींच लेनी है और ये जो है ये इस टाइप से हमारा कुछ फिक्स कर देना है। देख सकते हैं आप ये फिक्स हो चुका है और इसके पीछे जो हमारा इसके नट बोल्ट पड़े हैं ये ये कस देने हैं। ये हमारी लाइट जो है पूरी प्रॉपर फिट हो चुकी है और हिल भी नहीं रही है। देख सकते हैं आप 120 के ऊपर पेपर लगा हुआ है। अभी इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है ये रिमूव करेंगे हम और सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें इसकी सीट खोलनी पड़ेगी। सीट खोलने के लिए सबसे पहले हमें साइड वाले पैनल खोलने पड़ेंगे। ये दोनों पैनल खोल के इसकी सीट खोलेंगे हम। हमारी कुछ उस टाइप से सीट। यहाँ पे हमारी सीट खुल चुकी है और हमें जो अपनी वायर के कनेक्शन करने हैं इस जगह से करने हैं। सबसे पहले हम जो इसकी वायर है नीचे से ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे जिस वायर में से भी गई होगी नीचे से हमने वायर ऊपर निकाल लेनी है। यहाँ पे हमारी LED रिफ्लेक्टर की जो वायर है वो पूरी ऊपर आ चुकी है। इसमें देख सकते हैं आप दो वायर दी गई हैं, एक पर माइनस की और एक प्लस की। इसके कनेक्शन देख लेते हैं हम कहाँ का करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी वायर जो आ चुकी है हम कनेक्शन करने वाले हैं। माइनस तो हम इसका देने वाले हैं इसी चीज़ में। ये थोड़ा सा नट ढीला करके हम इसमें कनेक्शन कर देंगे इसके। ये माइनस जो है हम अपना नट ये इसके नीचे रख के टाइट कर देंगे इसको। इसका प्लस का कनेक्शन हम करने वाले हैं इसकी। प्लस का कनेक्शन करने वाले हैं हम इसकी बैक लाइट में से। ये कपलर निकाल लेना है यहाँ पे और इसकी जो सबसे इधर से लास्ट वाली वायर है इसमें कनेक्शन दे देना है। सबसे पहले हम कपलर खोल लेते हैं इसका। कपलर खोलने के बाद इसकी थोड़ी यहाँ से तार छील के इसके अंदर डाल के और कपलर को बंद कर देना है। इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं होने वाली। कपलर बंद करने के बाद हमारे कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं इसके। और जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हमारी जो बैक लाइट रिफ्लेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। इस पर अभी पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं पेपर उतार लेता हूँ इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप अभी तो ये ब्लैंक है। हम इसमें कोई भी नाम वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम अरशद खान है। मैं इसमें अपना नाम लिखना चाहूँगा। इसमें अपना नाम लिखता हूँ और देखता हूँ क्या लुक आती है इसमें।
तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ इसमें टेप कटिंग करके। तो जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया अपने कंप्यूटर पीसी से, सो ये हम मैट टेप के अंदर कटिंग करके उसके ऊपर लगाएंगे। सो सबसे पहले मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा जो नाम है कटिंग होके मशीन से आ चुका है। सो यहाँ पे हमारा नाम जो है हमने फिलिंग करके यहाँ पे इसको लगा लिया है, और चलते हैं इसे बाहर लेके और लगाते हैं अपने रिफ्लेक्टर के ऊपर। तो अभी हमारा रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे वाइट कलर का है, और इसके ऊपर हम जो हमारा ये स्टिकर लगाने लगे हैं। यहाँ पे हमारा जो है नाम हमने लिख लिया है बैकलाइट रिफ्लेक्टर के ऊपर। तो ये हमारा कस्टमाइज जो रिफ्लेक्टर है, जो हमारा ये कस्टमर रिफ्लेक्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह। और हम जब भी इस पर ब्रेक करेंगे या बाइक को हम ब्रेक करेंगे, सो उस टाइम ये ऑन होने वाला है। सो हम करते हैं बाइक को ब्रेक और देखते हैं कैसे लुक देता है हमारा ये रिफ्लेक्टर। सो ये लुक आने वाली है हमारे रिफ्लेक्टर की, देख सकते हैं आप जब भी हम ब्रेक करेंगे। नॉर्मली हमारा बाइक जो हमारा रिफ्लेक्टर है नॉर्मली इस तरीके से दिखने वाला है, और जब भी हम ब्रेक करेंगे इसको सो कुछ इस टाइप की लुक देने वाला है पीछे से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ, और कितना अच्छा लग रहा है ये लिखा हुआ। सो बहुत अच्छी लुक आ रही है हमारे रिफ्लेक्टर की। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर का, तो वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसको मंगवा सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। Thank you.